फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, आधा कटोरी घी और आप आधा कटोरी ही बूरा ले लीजिए। आपके पास अगर बूरा नहीं हो तो आप चीनी को पीस के भी बूरा बना सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स, ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में, यकीन मानिए। आप इसे ट्राई जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घी लेंगे, घी थोड़ा गर्म हो जाए अच्छे से, तब हम उसमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स तल लेंगे। ये इसलिए कि इसके लिए हमें एक अलग से कढ़ाई नहीं लेनी पड़ेगी, इसी घी में हम ड्राई फ्रूट्स तल के अलग से अपना रख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्राई होने से वो क्रिस्पी टेस्ट आता है। जब हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं लड्डू में, अगर हम उन्हें फ्राई करके डालें तो एक अलग ही क्रिस्पी टेस्ट आता है, जो बहुत टेस्टी होता है। तो लेट्स स्टार्ट, उन्हें ब्राउन होने तक हम अभी तल लेंगे। इन लड्डुओं की खासियत यह है कि अगर किसी को मीठा पसंद ना भी हो तो भी उसे बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, ये पौष्टिक भी रहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप खाली काजू बादाम में डालें, इसके अलावा आप किशमिश, अखरोट और भी कई ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल के मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास अभी लॉकडाउन में ये था इसलिए मैंने ये डाला है, मगर अगर खाली काजू बादाम भी डालेंगे आप तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगा और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि ये ड्राई फ्रूट्स ज्यादा फ्राई ना हो जाएं। ये देखिए, आप देख रहे हैं इनमें ब्राउन ब्राउन कलर आ रहा है अभी, इसका जो क्रिस्पी आता है, क्रिस्पी पना आता है जब हम लड्डू खाते हैं, तो ये जो बीच बीच में क्रिस्पीनेस आती है वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। नेक्स्ट अब हम जो स्टेप लेंगे वो लेंगे बेसन फ्राई करने का। तो अब हम, हमारा घी भी थोड़ा गर्म हो चुका है, इसमें हम ये बेसन डाल के अच्छे से इसको सेकेंगे। काफ़ी देर तक इसे सेकना पड़ेगा, आप समझ लीजिए कम से कम आधा घंटा किसी का। अगर हम 1 किलो बेसन लेते हैं, मैं एक माप बता दूँ, अगर हम 1 किलो बेसन लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपको कम से कम 1 घंटा फ्राई करनी पड़ेगी धीमी आंच पे। और जब तक बेसन ब्राउन ना हो जाए, उसकी खुशबू ना आ जाए, वो ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इसे बहुत अच्छे से धीमी धीमी आँच पर सेकते रहना है। अब आप देख रहे हैं कि ये बेसन, अपना बेसन का कलर आज चेंज हो रहा है, ब्राउन हो चुका है हमारा बेसन और ये बहुत अच्छे से सीका है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और हमारा बेसन पूरी तरह तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप ये मत सोचिएगा कि इसमें घी बहुत ज़्यादा है, ये इतना लचीला हो गया है, लटपटा हो गया है, क्योंकि जब मसाला लगता है तभी कोई भी चीज़ बहुत परफेक्ट बनती है। तो जब हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर देंगे, ठंडा होने के बाद अपना ड्राई फ्रूट और बूरा इसमें मिक्स करेंगे। तो कुछ देर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये अब हमारा हो चुका है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, एकदम ठंडा। हमें ध्यान रखना होगा कि एकदम ठंडा हो जाए। और एक खास बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि इसमें घी बहुत ज्यादा है तो आप अलग से सूखा बेसन भी मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डाला है, अपने अनुसार आप बेसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अगर घी ज्यादा लग जाए तो। अब हम इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो मिक्स करेंगे अच्छे से, और साथ में ये बूरा भी। एक्चुअली फ्रेंड्स, इन सब चीजों का कोई फिक्स नाप नहीं होता, लोग अपने अनुसार इनको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मीठा खाता है तो ज़्यादा चीनी ले सकता है, कोई कम खाता है तो कम ले सकता है,
उस अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से, ज्यादा घी खाते हैं तो आप ज्यादा बेसन में एक्स्ट्रा घी डाल के कर सकते हैं, कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। तो ये कम ज्यादा सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देख रहे हैं उस तरह से ये मिक्स कर लिया है इसने पूरा अच्छे से। बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें हमारे लड्डू अब बनने के लिए रेडी है। तो हम इसी तरह से इसके, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा भी लड्डू चाहें साइज, मैं नॉर्मल साइज पसंद करती हूँ, तो मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हैं पूरी तरह से, डिलीशियस लड्डू। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो आप इन्हें ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ मुझे एनकरेज करने के लिए आप लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि मैं आप लोगों से एनकरेज होके अपने और भी वीडियोस बनाने की मुझे हेल्प मिले।